वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं अगले अजूबे चीज पर। आज अजूबा चीज देख रहे हैं वह पेंडुलम से रिलेटेड है। पेंडुलम कहने का मतलब आप लोग जानते हो, ये का लोलक कहते हैं। लोलक नहीं तो आप उसको देख सकते हैं, जैसा कि अभी अब बात करेंगे सिंपल पेंडुलम में वह पेंडुलम कैसे चल रहा है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए सभी क्या हो रहा है कि एक टाइम छोड़ते हैं तो यह हिल रहा है, हिल रहा है सांप की भांति, यानी रसरी की भांति यह क्या कर रहा है, नच रहा है। उसके बाद यह कंपन कर रहा है यानी वाइब्रेट कर रहा है। इसको देखिएगा तो पता चलेगा कि यह कंपन कर रहा है, इसलिए इसको पेंडुलम स्नेक बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? पेंडुलम स्नेक। इस ऐसा प्रतीत क्यों होता है, यह एक अजूबा बात है। अजूबा बात क्या है, एक टेक्नोलॉजी का खेल है, कुछ नहीं। इसको देखिए कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके अगर ये है, यह एक सपोर्ट है जहां पर एक पेंडुलम लटका हुआ, यहाँ पर ए वाला, यहाँ पर ए वाला। देखिए सब का पेंडुलम साइज बराबर है, सबका नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लेवल बराबर है, लेकिन ऊपर से धागा का लंबाई छोटा बड़ा है। धागा का लंबाई छोटा बड़ा होने के कारण क्या होगा कि सब को अगर एक साथ हिलाएंगे तो एक साथ हिलाने से क्या होता है कि आप देख सकते हैं, हिलाइएगा तो किसी का लेंथ छोटा है तो किसी का लेंथ बड़ा है। यहाँ पर लेंथ छोटा है, यहाँ पर लेंथ बड़ा है। और टाइम पीरियड जो होता है, वह टाइम पीरियड क्या होता है तो सर जी जो बात करेंगे यहाँ पर टाइम पीरियड का, वह आता है 2π√L/g। तो देखिएगा ग्रेविटेशन में पूरा है, तो ग्रेविटेशन सेम होने का कारण जी पर डिपेंड है नहीं टाइम पीरियड। 2π भी एक न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट है। तो क्या है यहाँ पर एल, एल का वैल्यू सभी धागा के लिए क्या है, बराबर नहीं है। धागा की लंबाई जो है वह सब के लिए बराबर नहीं है, इसीलिए टाइम पीरियड सबका अलग अलग है। इसलिए जब इसको झुलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक फास्ट झूल रहा है, एक स्लो झूल रहा है। यानी पेंडुलम है, पेंडुलम का धागा लंबाई छोटा बड़ा होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए सबसे छोटा वाला है, उसका टाइम पीरियड बहुत कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। मान लेते इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए छोटा होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी 30 मिनट के लिए कितना है तो 15 है, कितना है 15। इसके बाद इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20, इसके 22, 23, 24, 25, यानी जो जो बढ़ते जाएगा उसे टाइम पीरियड घटता जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा। प्रत्येक 30 सेकंड में यह 15 बार दोलन करता है, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। आइए एक बार फिर से फिगर को देखते हुए समझा देते हैं क्या करता है। देखिएगा आप, या क्या हो रहा है, सभी पेंडुलम है, सभी को एक साथ उठाकर अगर छोड़ा जाए तो देखिए कैसे यह प्रतीत हो रहा है, एकदम सांप की भांति नच रहा है। कैसे नच रहा है, सांप की भांति नच रहा है। उसके बाद सभी छितर वितर हो जाता है, यानी सभी का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाने के कारण ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हैं अगर इसको अगर क्रॉस सेक्शन से देखा जाए, क्रॉस सेक्शन से देखिएगा तो आपको प्रतीत हो जाएगा कि सभी धागा न बराबर होने के कारण ऐसा हो रहा है। दिख रहा है एक बगल धागा छोटा, एक बगल धागा बराबर है, इसके कारण ऐसा कर सकते हैं। तो प्लीज इसी प्रकार का अजूबा अगर कोई चीज देखने का मन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि ऐसा वीडियो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें